छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भूलाहु। लॉकडाउन के संकट घड़ी में बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आवासीय परिसर से पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों ने सामान के साथ सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ने वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के नाते इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस वक्त जब देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, ऐसे समय पर गरीबों को उनके घरों से बेघर करना बिल्कुल भी जायज नहीं लगता। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे का घर उजाड़ने की सोच न्याय उचित नहीं है। बीजेपी इसके विरोध के लिए रणनीति तैयार कर रही है और जल्द ही सड़कों पर उतर कर बेघर हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ने को भाजपा तैयार है। अभी पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ भी अभी बहुत प्रभावित है, बिलासपुर प्रभावित है, और ऐसे समय में ऐसे लोगों को जो घर में रह रहे थे उनको खाली करवाना, जबरदस्ती सामान फेंकना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नगर निगम द्वारा खाली कराना, राज्य सरकार द्वारा खाली कराना बिल्कुल गलत है। बरसात सिर पर है और हम ठीक है अरपा को बनाएं, लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं उनको भी स्थापित करें, इनका भी विस्थापन की व्यवस्था हो। और भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा क्षेत्र बेलतरा के हम सब लोग इनका पुरजोर हर तरीके से विरोध करेंगे कि ऐसे समय में सरकार को बिल्कुल जो घर में है उनको निकालना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए सामान को, और काम करने के पहले इन सबको विस्थापित करें। यही कांग्रेसी पहले अगरबत्ती जलाते थे, सामने में खड़ा हो जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, अब इनकी मानवता कहाँ गई, इनकी इंसानियत कहाँ गई? ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि अभी ऐसे समय में सब लोगों को निकाल रहे हैं, यदि ये कहीं गए संक्रमित हो गए, बच्चे के ऊपर आ गए, तो इसका जवाबदार कौन होगा? तो ये सरकार को इस कदम को पीछे लेना चाहिए, पहले सबको सुव्यवस्थित करें और उसके पश्चात ही कोई शहर के विकास से संबंधित कोई काम करें।